रहे थे जनाब सलीम नजमी साहब जो जयपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए थे, उनके लिए जो ढेर सारा यहाँ नजराना आया है, मैं चाहता हूँ तमाम नजराना उन तक पहुंचा दे। दोस्तों मैं आपके सामने एक बात बता दूं, आप यकीनन जो लोग जाना चाहते थे वो चले गए। सदर आली वकार यही अब्दुल जब्बार साहब का हुक्म है कि जब तक लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर, अभी के बाद दिगरे शोराए किराम आएंगे, अभी जमील अलमास को आना है, उसके बाद आपको दिल खैराबादी को समाप्त करना है, क्योंकि अभी आपकी तिश्नगी बाकी है, और उसके बाद आप जिसको कहेंगे हम मुशायरा के जो कन्वीनर है, जो कमेटी है, उनसे गुजारिश करेंगे कि उनको भी बुलवाया जाए। आप एक ऐलान सुन ले, आने वाली 10 नवंबर को अंसार जमात खाना में एक ऑल इंडिया मुशायरा होगा, जिसके कन्वीनर हैं अल्ताफ मुकादम, अब्दुल रहमान कल्लू और जमील अलमास साहब, जिसमें ढेर सारे हिंदुस्तान के मारूफ शोराए किराम तशरीफ लाएंगे, जैसे असद मेहताब, वसीम राजीवपुरी, साहिल मुबारकपुरी, असद बस्तवी, अफजाल दानिश, जावेद अशाती, शायरात में दानिश गजल, मिनहाज सराजवी, डॉक्टर कमर सुरूर, चांदनी सलीमी साहबा। आइए उसी के साथ साथ एक चिट्ठी आई है जिसमें ये लिखा है कि दिल खैराबादी से। बहरहाल आइए इस वक्त तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ आपके शहर के एक शायर जनाब जमील अलमास को, कि वो सिर्फ चार मिसरे पढ़ने के लिए आएंगे, आप जरा सा तालियां बजा दे, वो आएंगे और उसके बाद दिल खैराबादी आपके। अस्सलाम वालेकुम, आइए गजल का मतलब पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए आप लोगों की बात, मुलाजा करें दिल भाई देख। बीमार मोहब्बत हूँ, आहा भाई अगर इतनी मोहब्बतें दे रहे हैं तो एक मरतबा तालियां बजा दे उनके लिए, बहुत शुक्रिया। बीमार मोहब्बत हूँ, मुझको बस बैठ के सिरहाने आ चल से हवा दीजे, हेलो के सिरहाने मुलाजा करें ये शेर भी। इस कल्ब की बेताबी कुछ की इस कल्ब की बेताबी, क्या कहने हैं इस कल्ब के बेताबी कुछ कीजिए कमलल्ला, इस कल्ब की बेताबी कुछ कीजिए कमलल्ला, बात नहीं करते चेहरा ही दिखा दीजिए, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह।